हेलो फ्रेंड्स, श्री अकाल की हलचल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से खेलने वाला है इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D। तो दोस्तों अपने मिथ्स को फिर से बस क्या कंफर्म करने वाला है। तो भाई साहब दिख नहीं रहे, मिथ नहीं दिख रहे हैं भाई स्क्रीन पे, तो दिख नहीं रहे हैं। तो कमेंट्स करो यार, मिथ्स को कमेंट्स करो और हम लोग उनको बस्ट करेंगे। चर्चा तो होनी चाहिए, पावर है भाई की। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ओके, हमारा पहला मिथ है कि भाई आप मुझे भैया आप मुझे आज यूं 3 बजे गेम में मिले था, आप फर्स्ट राउंड में आई। अरे बेटा ये तो गलत हो गया, मैंने सोचा तुमने मिथ भेजा है, तुम हाल चाल पूछ रहे हो, कोई बात नहीं। चलो सेकेंड एक लो फिर से, ड्रोन बाइक से आप किसी भी चीज को कितनी भी, ये भी हो चुका है पहले, दूसरा लेकर आओ। ये नहीं वाना, ये बात है ना, बहुत चालू हो रहे हैं। घोस्ट राइडर बाइक 5-5-5 को आरपीजी को नहीं, आरपीजी मारो घोस्ट राइडर बाइक को कुछ भी नहीं होता है। अरे तुम सीधी भाषा में कहो ना कि घोस्ट राइडर बाइक को आरपीजी से मारोगे तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये लिखा पड़ा है, ये चलो हटाओ, कोई बात नहीं, काम हमारा है, करते हैं। हमारे पास आ गई अपनी घोस्ट राइडर बाइक, तो हम लोग उसको मारने वाले हैं अपनी आरपीजी से, और देखते हैं क्या होता है इसे, क्या ये फटती है हमारी दूसरी बाइक्स की तरह या फिर नहीं। तो चलो ट्राई मारते हैं। आग तो वैसे भी निकल रही है यार इसके, और कितनी आग निकलेगी। ओके, कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई साहब ये वाला मिथ सच में कंफर्म है, तो हम लोग घोस्ट राइडर को नहीं फोड़ सकते। ये वाला मिथ बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि उसमें आग निकल रही है। अब आग ही निकल रही है तो साली वो फटी नहीं रही, तो कैसे फाड़ोगे और तुम इसे। अपना सेकेंड मिथ है कि एरोप्लेन को स्पॉन करो और फिर एरोप्लेन के विंग पर घोस्ट राइडर को स्पॉन करो के एरोप्लेन को ड्राइव करो, फिर देखो एक मैजिक। भाई ये थोड़ा सा तगड़ा मिथ है भाई, जिसने भी दिया है तगड़ा मिथ दिया। सबसे पहले मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, रुको 555, ठीक है प्लेन तो मैं ले लूँगा। अब इसके विंग पर हमको घोस्ट राइडर स्पॉन करनी है, ये थोड़ा सा कठिन लग रही है। चलो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई मारना तो बनता है। 5555, ठीक है ट्राई मारते हैं। नीचे ना यार, नीचे तो नहीं आ गई, आ गई इसकी। अरे मैं अच्छा दो, अच्छा ये ही है, मैंने सोचा दो हो गई भाई स्पॉन। ये कहाँ जा रहा है, रुक जा, दो मिनट। अरे यार ये अपना है, इनका चालू हो जाता है यार, घंटा फर्क नहीं पड़ता इनको, हटाओ यार, रुको, चलो जाने दो, तुम जाओ दूसरा स्पॉन, दूसरा हमारे पास पैसे ही बहुत है। लो भाई साहब दूसरा आ गया, और बताओ किसके औकात है जो हम सट के लिए। भाई मैं कैसे इसको स्पॉन करूँगा, वो नीचे आ जाती है, अगर मैं उसको ऐसे स्पॉन करूँ, हाँ ऐसे स्पॉन करूँ फिर बन सकती है बात। रुको ओके 5555, ठीक है आई हो जी यार। अरे भैंस की टांग, ऊपर हो जी, ऊपर क्यों नहीं हो रही, चल थोड़ा पीछे हो जाएगी, मुझे लग रहा है। ओके हो गई। ओके भाई साहब, मैंने एरोप्लेन के विंग पर एक बाइक खड़ी कर दिया है, जिसका नेम है घोस्ट राइडर। भाई साहब अब मुझे ड्राइव करना, भाई ने बताया कि इसको ड्राइव करो, ठीक है ड्राइव करता हूँ, ठीक है आराम से। ओके ड्राइव करने जा रहा हूँ, देखते हैं होता क्या है मैजिक, ठीक है। ओ ये क्या है भाई साहब, मैं ब्लैक होल में हूँ, मैं ऊपर हूँ कि नीचे हूँ, आवाज देखो आ रही है, मुझे लगता मैं नीचे जा रहा हूँ, लग तो ऊपर भी रहा है बट इधर साइड कुछ दिख भी नहीं रहा, इसका मतलब मैं कहाँ पे जा रहा हूँ यार, मैं ब्लैक होल में जा रहा हूँ क्या। भैंस की टांग भाई, पहली बार में इतना तगड़ा मिथ ट्राई कर रहा हूँ, वो मैंने कभी भी नहीं किया। हो सब ये अब तो गेम ही बैक होगा, अब कुछ नहीं होने वाला भाई, ये तो ब्लैक होल में फेंक दिया लाके मुझे, व्हाट इज दिस। अरे रे रे, नीचे ना, नीचे क्यों उतर गया यार, अब नीचे उतर गया, अभी ऐसे ही नीचे गिरता रहेगा, अभी इसका कोई खत्म होने वाला पॉइंट नहीं है जहां पे ये खत्म हो जाए। चलो कोई बात नहीं, बट हाँ ये वाला मिथ भाई लेवल का था, एक जो लेवल होता है ना, लेवल का था ये मिथ, बस यही चालू। अब इसका ये वाला कैमरा, ओ ये देखो ये कैमरा, इसका मतलब मैं नीचे नहीं, इसका मतलब समझ रहे हो, मैं ब्लैक होल में जा रहा हूँ, बिल्कुल नीचे, ऊपर साइड, ये देखो आसमान दिख रहा है, ये देखो
ऊपर नहीं हूँ मैं, नीचे हूँ, तो इस गेम को ही करने वाला हूँ मैं। और अपना नेक्स्ट मिथ है कि अगर हम 666 वाली गाड़ी में दिन में लाइट जलाएं तो नहीं जलेगी, लेकिन नाइट में, नाइट मोड में जलेगी। 66 से मतलब कि रेंज रोवर आती है मेरे हिसाब से। रुको, रेंज रोवर ही आती है। हाँ, ये हमारे पास रेंज रोवर आ गई है जो कि टप्पा खा के आ गई है। चलो कोई ना, इसके अंदर बैठता हूँ और लाइट जलाता हूँ, देखते हैं लाइट जलती है कि नहीं जलती है। ओके, सबसे पहले मैंने सुबह हो गई है, इसकी लाइट जलाते हैं। कहाँ से लाइट, कहाँ से जलती है यार? हाँ, यहाँ से जलती है, ठीक है। ओ, नहीं चल रही, सच में नहीं चल रही है। रुको, अगर मैं नाइट मोड कर दूँ, ये हो गया हमारा नाइट मोड, अब फिर से बैठ जाए गाड़ी में, ठीक है। ओके, अब मैं देखता हूँ उसकी लाइट जलती है, अब भी नहीं जल रही। तो भाई साहब, लाइट तो इसकी अब भी नहीं, हाँ जल रही है, रुक, जल रही है, बट इधर से देखने में लग नहीं रहा जल रही है। अगर तुम इधर से देखोगे ना, ये देखो, नहीं जल रही है, इधर से देखोगे जल रही है। रुको, एक मेरे पास दिमाग आया, फिर से करते हैं सुबह, मेरे हिसाब से फिर से इसकी लाइट जलाऊंगा। रुको, ये आ गया ना, ये मैंने इसकी लाइट जलाई, बट दिख इसलिए नहीं रही है। अभी मैं इसकी लाइट को, शायद दिख जाए, मैं ऐसी जगह पे लेके जाने वाला हूँ। नहीं यार, दिख नहीं रही लाइट, इसकी लाइट जल रही है, मतलब कि रात को भी आगे देखोगे जलती है, इसके आगे लाइट जल रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है तो पता नहीं चल रहा। एक बार रुको, फिर से देखते हैं। ओके, बट हाँ भाई, जो मिथ की बात थी, मिथ बिल्कुल कन्फर्म है, सुबह दिखती नहीं है, रात को लाइट बहुत तगड़े से दिखती है, सुबह ऐसा लगता है लाइट जल ही नहीं रही है, तो ये वाला मिथ कंफर्म है। तो भाई साहब, हमारा नेक्स्ट मिथ है स्टिकी मैन बनकर वेलोसिराप्टर पर बैठो और देखो मैजिक। ओके, तो सबसे पहले हमें बनना पड़ेगा स्टिकी मैन, उसके लिए चाहिए थोड़ा सा काम और उसके लिए चाहिए मेहनत, और मेहनत करने के लिए तैयार हैं हम, ठीक है। हम लोग बन गए हैं स्टिकी मैन, तो हम लोग स्टिकी मैन बन गए हैं, ठीक है। ओके, आराम से। ओके भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही लगा दिया क्या मैंने? चलो कोई, जितने ज़्यादा स्टिकी बॉम्ब होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। वेलोसिराप्टर को मंगवाते हैं जल्दी से। ओके, 5, ठीक है। अरे जीरो ना लगाइयो बेटा, जीरो नहीं बेटा, जीरो, अरे फिर से जीरो लगा, अरे पागल हो क्या? चलो कोई ना। ओके, आ गया, ठीक है। अब मैं बैठने वाला हूँ, देखते हैं होता क्या है मैजिक। भाई साहब, हमारा जो वेलोसिराप्टर है, मतलब वेलोसिराप्टर ही बन गया है। क्या अलग तरीके से डांस कर रहा है, डांडिया डांस, अलग ही तरीके से उड़ रहा है। भाई, हेलीकॉप्टर बनने का शौक था तो क्यों भाई तुम हेलीकॉप्टर बनते, तुम तो वेलोसिराप्टर बन गए। भाई साहब, कितना घूम रही है ये, अगर मैं नीचे उतरूँ तो। हो, अटक गया, एक जगह पे अटक गया हमारा वेलोसिराप्टर, एक जगह पे अटक गया। अब नीचे आएगा, देखना अभी नीचे आएगा वो, अभी ये देखो नीचे आ गया। यार, ये पहले उठ जाता तो मज़ा दिखाता आपको मैं। ओह, ये देखो एक जगह पे अटका पड़ा है, कोई बात नहीं। अब मैं इसी को मैं ट्राई करने वाला हूँ किसी कार के साथ, उसके साथ क्या होता है। अगर मैं बाइक पे, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा, कार के साथ ट्राई करते हैं, मस्टैंग लेते हैं। 8, 1, 2, 3 मस्टैंग GT, इसका क्या हाल होता है देखना। अभी पूरी खुल जाएगी, मुझे तो लग रहा है पूरी खुल जाएगी। गई, ये देखो, मैंने कहा था ना कि पूरी गाड़ी खुल जाएगी, आधी गाड़ी हमारी धस गई है जमीन के अंदर। ये देखो, आधे टायर हमारे जमीन के अंदर धस गए हैं। ओ, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस। ओ, गाड़ी खुल गई। अगर मैं इसको 2 मिनट ऐसे बैठा के रखूं, गाड़ी हमारी कचरा बन जाएगी। ओ, क्या गंदे तरीके से घुमा रिया है हमारी से गाड़ी को। अब मैं नीचे उतरूँ तो, ओ हमारी, ये देखो गाड़ी अटक गई। ये अब आधा घंटा ये उठने में लगाएंगे, तब तक वो नीचे आ जाएगी। वो नीचे आ गई है, ये देखो। क्रेजी मिथ था, बढ़िया मिथ था, लेवल वाला मिथ था। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे चल के स्टिकी बॉम्ब को वेट। ओह भाई साहब, 2 मिनट में सब खत्म, वॉस्टेड का निशान बन के आ जाता है, मतलब कि तुम्हारा मामला खत्म। गाड़ी हमारी मस्टैंग भी गई, बंदा भी गया, और ये इतनी आसमान में कैमरा क्यों घुमा देते हैं, क्या होता है आसमान, क्या है। चलो भाई, आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, तो कमेंट्स करके अपने मिथ दे सकते हो, हम लोग उनको भी कन्फर्म या बस्ट करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।